जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राम नाम का जाप किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, राम नाम का जाप कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और राम नाम का जाप किस समय करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए, राम नाम के जाप का प्रयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आज इन चार प्रश्नों को हम आपको उत्तर देने वाले हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर साधकों के होते ही हैं। हर साधक असमंजस में रहता है कि इन प्रश्नों का हमें जवाब कैसे मिले। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के आपको बारीकी से उत्तर देने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं कि राम नाम का जाप किसे करना चाहिए। राम नाम का जाप कोई भी कर सकता है। पापी से पापी मनुष्य राम नाम के जाप से तर जाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन राम नाम के जाप में अगर गुरु मंत्र आपको राम जी का प्राप्त हुआ है तो गुरु मंत्र में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि शौच आदि से निवृत्त होकर पूर्णतः पवित्र अवस्था में हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है ना। और गुरु मंत्र का जाप हमें असीम ऊर्जा प्रदान करता है और गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है वह हमारी साधना को बहुत शीघ्र ही फलीभूत कर देता है। तो राम नाम के जाप को कोई भी कभी भी कर सकता है, इसमें किसी का कोई बंधन नहीं है, ना ही इसमें यह है कि इसे कब करना है, क्या नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं राम नाम का जाप किस समय करना उचित है और किस समय करना उचित नहीं है। देखिए, राम नाम का जाप, नाम जाप हम हर समय मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए जो गुरु मंत्र होता है उस समय उनको जो मासिक धर्म होता है उनका, उस समय उनको गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उस समय राम नाम का मानसिक जाप करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं राम नाम के जाप करने का समय क्या होता है सबसे अच्छा। राम नाम के जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी कि जब सूर्योदय होता है उससे डेढ़ घंटे का जो समय होता है, डेढ़ घंटे पहले का, उस समय अगर राम नाम का जाप किया जाता है तो आपको बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। और सूर्य उदय के बाद का जो डेढ़ घंटे का समय होता है उस समय, जिसे हम ब्रह्म बेला बोलते हैं, उस समय अगर राम नाम का जाप किया जाता है तो ये हमें कई गुना लाभ प्राप्त करा देता है कुछ ही मंत्र के जाप में। अब हम बात करते हैं कि राम नाम के जाप को कब प्रयोग करना चाहिए, किस में प्रयोग करना चाहिए, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो राम नाम का जाप हमारे जीवन में इस तरह से कार्य करता है कि हमें उसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि राम नाम के जाप के द्वारा हनुमान जी महाराज की हम पर असीम कृपा हो जाती है, हनुमान जी महाराज का पहरा हो जाता है और सारे दुखों को, सारे कलेशों को श्री हनुमान जी महाराज हमारे देखते हैं और वह उनका निवारण करते हैं। लेकिन फिर भी साधकों की कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें उन्हें कहीं भी रास्ता नहीं दिखता है, तो उन्हें उस परिस्थिति से निकलने के लिए संकल्प लेकर राम नाम का 1,25,000 जाप करना चाहिए या फिर 51,000 जाप करना चाहिए या 21,000 जाप करना चाहिए। राम जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र तारक मंत्र है, और भी राम जी के जो भी मंत्र हैं जिसमें आपकी प्रीता है, जिसमें आपके भाव है, वो सभी शक्तिशाली हैं। और राम रामाय नमः यह मंत्र अपने आप में एक असीम शक्ति लिए हुए है, जिसमें हमारा मन रम जाए, जिसमें हमारा मन लग जाए, वही मंत्र सबसे शक्तिशाली बन जाता है और हमारी भाव दशा अच्छी होती है तो वह मंत्र हमारे जीवन में उचित कार्य करता है। हम राम नाम के जाप का प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने में, किसी का अहित करने में, किसी के साथ कोई घटना घटवाने में या फिर उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटवाने में प्रयोग नहीं कर सकते जो उसके हृदय को पीड़ित कर दे, यानी कि उसकी आत्मा को दुखा दे। राम नाम के जाप को आप पवित्रता से किसी के लिए प्रयोग कीजिए, जन कल्याण के लिए प्रयोग कीजिए और इंसान की मुक्ति के लिए प्रयोग कीजिए तो राम नाम का जाप आपके जीवन में असीम कृपा कटाक्ष लेके आता है। राम नाम के जाप करने में जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं वह यह होते हैं कि आपको मांस, मदरा, दारू, बियर
अंडे इत्यादि आप अगर खाते हैं, इन सभी का त्याग करना होगा और पूर्णतः पवित्र होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक आपको राम नाम का जाप करना होगा। और अति संकट के समय में अगर आप एक बैठक में 20,000 राम नाम का जाप करते हैं तो वह संकट आपका बहुत शीघ्र ही दूर हो जाता है और आपको सदमार्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि राम नाम का जाप किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, किस जगह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके नियम क्या होते हैं। आज हमने महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की है और आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि इस वीडियो को आप और लोगों में भी शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी राम नाम से जुड़ने का सुअवसर आपके द्वारा प्रदान होगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, जय हनुमान।